आज इस लेक्चर में हम जानेंगे फैमिलीज के बारे में कि सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन बताओ टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट का। ये जो एग्जाम में पूछा जाता है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपकी फैमिली रहने वाली है वो सोलेनेसी फैमिली है, और फ्लोरल फॉर्मूला कैसे बनता है ये सब मैं आपको इस लेक्चर में कंप्लीट बताने वाली हूँ। सिंबल कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं, जैसे आपको पता है कोई भी फ्लावर है उसके चार पार्ट होते हैं, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोसियम। आपको पता है दो एसेंशियल होते हैं, दो नॉन एसेंशियल होते हैं। एसेंशियल में आपको पता है रिप्रोडक्टिव वाला पार्ट आता है जिसमें एंड्रोशियम या गाइनेशियम मेल और फीमेल पार्ट, और नॉन एसेंशियल में, नॉन एसेंशियल नहीं कहना गलत होगा, एसेसरी पार्ट में आते हैं आपके कैलिक्स और करोला। कैलिक्स आपके सेपल होते हैं जो ग्रीन पार्ट होते हैं जो लीफी स्ट्रक्चर होता है, और करोला आपका कलर्ड पार्ट जो अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट को फॉर द पॉलिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे कैलिक्स जो सेपल है उसको के से रिप्रेजेंट किया गया है, करोला को सी से, पेरियंथ को पी से, एंड्रोशियम को ए से, गाइनेशियम को जी से, सुपीरियर ओवरी को गाइनेशियम के अंडर जो है आपको ये अंडरलाइन मिलेगी, इंफीरियर ओवरी में गाइनेशियम लिखा होगा। ठीक है, मेल फ्लावर के लिए ये साइन रहेगा, फीमेल के लिए दिस साइन, एंड बाइसेक्सुअल के लिए दिस साइन। ठीक है, यहाँ पे डिब्बा सा बना के दिखाएगा कॉपी में आपको जो है वो ये दोनों का कम्बिनेशन मिलेगा। एक्टिनोमॉर्फिक के लिए आपको जो है वो सर्कल के अंदर प्लस का साइन मिलेगा, जाइगोमॉर्फिक का परसेंटेज का साइन है। जैसे कि ये फ्लोरल फॉर्मूला जो है वो मस्टर्ड का है, मस्टर्ड क्या है, एक्टिनोमॉर्फिक है। ठीक है, मतलब रेडियल सिमेट्री है, एक्टिनोमॉर्फिक से मतलब समझ में आता है कि इसकी रेडियल सिमेट्री है, एक पर्टिकुलर पॉइंट से इसको जो है कि पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है मतलब मेल, आप देख रहे हैं बाइकार्पलरी, दो जो है सुपीरियर कार्पल है, दो मेल देख पा रहे हैं डिविजन हो रही है, तो यहाँ पे जी के अंडर लाइन दिए हुए है, तो दैट मीन्स इसका मतलब क्या है, जी के अंडर जो लाइन बनी है दैट मीन्स ये क्या है, सुपीरियर ओवरी है बाई लोकुलर, दो लोब सी बनी हुई है इसकी। एंड्रोशियम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 2 प्लस 4, दो आपको पता है इधर साइडों पे चले गए, दो इधर, दो सेंटर में है और दो थोड़े दूर है, तो 2 प्लस 4। करोला, करोला कितनी है, 1 1 2 3 4। पेटल्स कितनी है, 4। और कैलिक्स, सेपल, सेपल कितनी है, ये भी 4 है, 2 प्लस 1 2 3। ये जो बाहर वाली ग्रीन वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, और एक्टिनोमॉर्फिक का ये साइन है। क्लियर है, कोई डाउट? अब तीनों टाइप्स की जो है वो आपके एनसीईआरटी में गिवन है, फेबियसी, सोलेनेसी एंड लिलियसी फैमिली, ये इनके जो है वो एनसीईआरटी में डायग्राम गिवन है। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं फेबियसी फैमिली जो है वो जाइगोमॉर्फिक होती है। ठीक है, परसेंटेज का साइन दिया है, बाइसेक्सुअल है, कैलिक्स 5 है, 1 2 3 4 5, इस तरह से आप काउंट कर सकते हैं मैनुअली भी। और करोला कितने हैं, 1 1, एक सिंगल बिल्कुल ही अलग है, बाकी ये यूनाइटेड से हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स 1 प्लस 2 प्लस कितने होंगे, इतने ही होंगे ये। ठीक है, 5। एंड्रोशियम 9, एंड्रोशियम कितने हैं, 9 प्लस 1, और 1 2 3 ये दो जुड़ी हुई है ना, इसलिए 1, इसलिए ब्रैक लगी है, 1 प्लस 2 प्लस 2, और एंड्रोशियम 9 प्लस 1, ये बिल्कुल अलग से हैं, और ये 9 एंड्रोशियम है। सेंटर पे आपको पता है एक ही ओव्यूल प्रेजेंट है, यानी कि सुपीरियर ओवरी है। ये फेबियसी का फॉर्मूला है, ये सोलेनेसी का एग्जाम में आपको फॉर्मूला दिया होगा या आपको डायग्राम दिया होगा, तो आपको पहचानना है कि किस फैमिली का डायग्राम हो सकता है, तो दोनों ही क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हो सकते हैं। लिलियसी फैमिली में ब्रैकेट दी हुई है, ठीक है, ये बाहर आप देख सकते हैं एक्टिनोमोर्फिक का ये साइन है, और उसके अलावा ये बाइसेक्सुअल है। ठीक है, ये डिब्बा जो है वो बाइसेक्सुअल का साइन है। पी, पेटल, ठीक है, या पेरियंथ, 3 प्लस 3 यूनाइटेड है ना, ये देख पा रहे हैं। सो ट्राइकल्पर, तीन ओव्यूल जो है वो तीन भागों में इस तरह से अटैच है, तीन पीस से बने हुए, तीनों में 6 ओव्यूल्स हैं। ठीक है, सो सिंगल अकाउंट करेंगे तो ट्राइकार्पलरी सुपीरियर ओवरी है, और एंड्रोशियम 3 प्लस 3, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 3 प्लस 3 है। सो क्लियर है, कोई डाउट? ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ये पाइसम स्टाइबम मटर का डायग्राम दिया हुआ है, ये फ्लोरल फॉर्मूला। पी किसके अंदर आता है, अब बताइए जरा, यहाँ पे मैंने पहले भी आपको डायग्राम से बना के दिखाया है, फेबियसी फैमिली में आता है आपका मटर। ठीक है, और ये सेकेंड वाला है आपका सोलेनम निग्रम, मक्के का प्लांट, ये किसके अंदर आता है, बाइलोकुलर, याद कीजिए। ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, समझ में आ गया देन। और ये आपका किसमें आ गया, जल्दी जल्दी बताओ। ठीक है,
सोलेनेसी फैमिली में आता है आपका पोटैटो, आलू, और ये मटर आता है आपका फेबियसी फैमिली में, और इसके अलावा आपका गेहूं भी फेबियसी फैमिली में आता है, लिलियसी फैमिली में आपका आएगा अनियन, ठीक है, अनियन, दिस इज द फ्लोरल फॉर्मूला, ठीक है, डायग्रामेटिक जो फॉर्मूला देखते हैं आपका ये है एलियम सिप्पा अनियन, साइंटिफिक नेम भी कई बार पूछ लिया जाता है, अनियन का साइंटिफिक नेम है एलियम सिप्पा, ओके, क्लियर है। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी आपको पता होनी चाहिए कि क्या होती है, ठीक है। तो फेबियसी, सोलेनेसी और लिलियसी की जो है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है अर्थ पे, तो फेबियसी फैमिली में मोस्टली हम स्टडी करते हैं पल्सिस की, ग्राम, अरहर, सेम, मूंग, सोयाबीन, ये सारी जो है वो फेबियसी के अंदर स्टडी करते हैं, जिनसे तेल निकलता है, एडिबल ऑयल निकलता है सोयाबीन और ग्राउंड नट से, डाई बनती है इंडिगोफोरा से, फाइबर जो है वो सनहैप के यूज किए जाते हैं, फूड और सस्बिनियर ट्राइफोलियम ऑर्नामेंटल ल्यूपिन है, स्वीट पी है, मेडिसिनल प्लांट जो है वो है हमारा मुलेथी, ठीक है, जिसमें खांसी वगैरह में मोस्टली आपको पता है यूज करते हैं हम, अगर घर में किसी को ज्यादा खांसी है तो वो लोग मुलेठी जो है वो चबाते हैं ताकि खांसी में, कफ में काफी ज्यादा आराम मिलता है। तो फेबियसी फैमिली में क्या आ गई, पल्सिस आ गए, एडिबल ऑयल वाले आ गए प्लांट, डाई, फाइबर, फूड और सब कुछ इसमें आ गए। सोलेनेसी में जो हम वेजिटेबल खाते हैं जैसे कि टोमेटो हो गया, टमाटर है, आलू है, ब्रिंजल है, बैंगन है, ये सारे सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, जैसे कि जितनी भी स्पाइसेस हैं जैसे कि चिली है, ग्रीन चिली है, मेडिसिनल बैलेंडोना, ये मेडिसिनल प्लांट है बैलेंडोना, और अश्वगंधा तो आपको पता ही है क्या होता है अश्वगंधा, ठीक है, ये मेडिसिन में यूज किए जाते हैं, फ्यूमिगेटरी के लिए तोबैको है, ऑर्नामेंटल पिटूनिया है। लिलियसी फैमिली में आती हैं आपकी वेजिटेबल जैसे कि स्पैरागस की सब्जी बनाते हैं लोग, मेडिसिनल एलोए मतलब एलोवेरा है, मेडिसिन की तरह यूज किए जाते हैं कॉस्मेटिक्स में, वैसे भी हम इसका जूस भी पीने के लिए कहते हैं, अच्छा होता है स्किन के लिए भी अच्छा होता है, ऑर्नामेंटल ट्यूलिप, ग्लोरियसा, और कोल्चिसिन जो है वो एक कोल्चिसिन ऑटोमिनली यूज का भी जो है वो यूज किया जाता है, ठीक है। सो ये इन इन चीज़ों से बिलोंग करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फ्रेम होते हैं कि फेबियसी से पल्सिस बिलोंग करती हैं, समटाइम ऐसे भी पूछ लिया जाता है, इनके एग्जाम्पल भी पूछ लिए जाते हैं जैसे कि पोटैटो जो है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, अगर आपसे पूछ लिया जाते हैं एलोवेरा किससे बिलोंग करता है तो आपको पता होना चाहिए कि किस फैमिली से बिलोंग करता है और क्या क्या फंक्शन होते हैं, ठीक है। होप सो इट इज क्लियर, ठीक है, ऑल राइट। रूट के कुछ बेसिक बातें कर लें, टैप रूट सिस्टम किसमें पाया जाता है, मोस्टली जो डाइकोट मस्टर्ड होते हैं उसमें टैप रूट सिस्टम पाया जाता है, इस पर मेरी अलग से वीडियो बनी हुई है इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। फाइबरस रूट सिस्टम मोनोकोट यानी कि वीट प्लांट जो मतलब सीजनल प्लांट होते हैं ना, जो हम साल में किसी सीजन में ही ग्रो करते हैं क्योंकि इनको, ताकि हम उखाड़ सकें और नई क्रॉप का फायदा ले सकें, क्योंकि 6 मंथ की क्रॉप होती है, आपको पता है। एडवेंचरस रूट किसमें, ग्रास में, मोन्स्टेरा और बनियन में पाई जाती हैं, और फॉर स्टोरेज ऑफ फूड कैरेट में, टर्निप के अंदर फूड स्टोर रहता है जिनको हम खाते हैं, ठीक है। ये भी क्या है, एक रूट्स है, कैरेट एक रूट है, एक मॉडिफाइड रूट है, ठीक है। टर्निप भी एडवेंचरस रूट जिसमें जैसे कि स्वीट पोटैटो है, हमारी शकरकंदी है, वो भी हमारे एडवेंचरस रूट है जिसमें फूड स्टोर रहता है और उनको खाते हैं, पर वो किसका टाइप है, रूट का टाइप है। ट्रो रूट किसमें पाई जाती है, बनियन ट्री में, ये सपोर्ट करती है उस प्लांट को, इन पे मेरी अलग से वीडियो बनी हुई है, प्लीज आप उन वीडियो को देखिए सो दैट आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। स्टिल्ट रूट जो आपके मक्की में, सुगर केन में आपने देखी होगी, जो प्लांट को होल्ड करने में एडवर्स कंडीशन में हेल्प करती है, मतलब जकड़े रहती है जिससे कि प्लांट जो बिल्कुल सीधा खड़ा रहता है। नोमेटोफोर्स क्या होते हैं, ये राइजोफोरा में, ये रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं क्योंकि मार्शी एरिया में ग्रो करता है ना ये प्लांट, इसलिए ये बाहर आ जाते हैं इनकी जड़ें सांस लेने के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं स्टेम के बारे में, आपको इसके ऊपर भी मेरी अलग से डिटेल वीडियो बनी हुई है, बट यहाँ पे फिर भी ओवरव्यू दे रही हूँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफाइड, अंडरग्राउंड स्टेम जो है वो मॉडिफाई होकर क्या करता है, स्टोर करता है किसको, फूड को, और एक्ट एज ए पेरिनेशन की तरह काम करता है। जैसे कि आलू है, आलू आपका स्टेम है लेकिन वो अर्थ के अंदर फूड बनाता है, ठीक है। जिंजर हो गया, ठीक है, अदरक होगी, टर्मरिक है, जिमीकंद है, कोलोकेशिया, ये सारे क्या है, मॉडिफाइड स्टेम है। स्टेम टेंड्रिल जिनकी जो मतलब स्टेम
जो है वो धागे नुमा मतलब एक स्प्रिंग जैसी स्ट्रक्चर बना के किसी भी दीवार के साथ चढ़ चढ़ जाती है सहारा लेके सपोर्ट करके, तो वो है हमारा गार्ड है, जिसमें मतलब करेला है, कुकुम्बर, पम्पकिन, वाटरमेलन, ग्रेप बीन्स, सिट्रस, ये सारे के हमारे स्टेम टेंड्रिल्स हैं, स्टेम थोन जिन पे कांटे लगे होते हैं स्टेम पे, बोगनविलिया है, फाइलोक्लैट जो फ्लैटेंड अपन्शिया होता है, इसका आपने एनवायरनमेंट में प्लांट भी देखा होगा, यूफोर्बिया ये फाइलोक्लैट होते हैं, रनर ग्रास, स्ट्रॉबेरी, स्टोलन मिंट, जैस्मिन ऑफसेट हमारा एक और नियर पिस्टिया, सकर हमारी बनाना, पाइनएप्पल एंड क्राइसेंथम, ये एग्जाम्पल है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने ये स्लाइड यहाँ पे ऐड की है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर बहुत ही पसंद आ रहा होगा। इसी तरह से ये लीफ के बारे में भी मैं बता चुकी हूँ पहले भी वीडियो में, ठीक है, सो मुझे नहीं लगता इनके सारे टाइप्स मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, सो दोबारा यहाँ पे ना डिस्कस करते हुए फ्लावर, ठीक है, ये सब कुछ एक्टिन हो जाएगा, मॉर्फिक सब कुछ मैं बता चुकी हूँ, एंड्रोशियम, ओके, सो लेक्चर फिनिश करते हैं, देन फिर तो कुछ रह ही नहीं गया, प्लेसेंटेशन के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, ये इनके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा, फ्रूट ड्रूप होते हैं, मैंगो और कोकोनट एग्जाम्पल दो ही दिए गए हैं एनसीईआरटी में, सोलेनेसी फैमिली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, मोस्ट ऑफ टाइम यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं कि फूड जो है वो ट्यूलिप और ग्लोरी लिली में पाया जाता है, मतलब एज अ फूड की तरह काम की जाती है, स्पाइसी चिली जो है वो स्पाइसेज ये सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करती है, मेडिसिनल बेलेंडोना और असवगंधा ये मेडिसिनल प्लांट है जो सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, फ्यूमिगेटरी टोबैको है, ऑर्नामेंटल पेटेनिया है, सो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैमिली है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा अगर आप ध्यान से इस लेक्चर को और कंप्लीट वीडियो देखेंगे। थैंक यू।